नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल सनातन वाइज में। आई होप आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में युगों के साइकिल के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, मतलब युगों का एक चक्र जिसमें चारों युगों का भली भांति वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। अब यह तो हम सभी जानते हैं कि सत्ययुग सत्य नैतिकता धर्म का स्वर्णिम युग है, जहां धर्म का प्रचलन होता है और जहां ह्यूमैनिटी डिवाइन एनर्जीज के साथ हार्मनी में हो जाती है। दूसरा है त्रेतायुग। त्रेतायुग को कहा गया है द एज ऑफ सैक्रिफाइस एंड रिलीजियस सेरेमनीज, मतलब यहाँ यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। फिर आता है द्वापरयुग। द्वापरयुग में मटेरियलिज्म की ग्रोथ होती है। और फिर चौथा है कलयुग, जिसको कि एज ऑफ डार्कनेस कहा गया है, मतलब अंधकार का युग, जिसमें स्पिरिचुअल इग्नोरेंस होता है, मतलब ज्ञान का अभाव। और आज तक 99% लोग यही सोचते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं, और हम सभी को आज तक यही लगता है कि ये युगों का चक्र बिल्कुल ऐसे ही चलता है, एक के बाद एक, मतलब सत्ययुग आएगा, फिर त्रेतायुग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग आएगा और फिर से बाद में सत्ययुग आ जाएगा। पर दोस्तों, इस टॉपिक को ड्रिल डाउन करने पर और कई एंशियंट टेक्स्ट और टेक्निक्स को एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि ये साइकिल गलत है। मतलब इसमें युगों का वर्णन तो सही है, पर युगों का साइकिल कुछ इस प्रकार होता है। अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें हर युग दो दो बार आता है और युगों के साइकिल को दो भागों में बांटा गया है। पहला असेंडिंग अर्थात आरोही और दूसरा डिसेंडिंग मतलब अवरोही। असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम और डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम। असेंडिंग में हम कलयुग से सतयुग की ओर बढ़ते हैं और डिसेंडिंग में हम सतयुग से दोबारा कलयुग की ओर बढ़ते हैं। इस ग्राफ में आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये चक्र किस प्रकार चल रहा है। अब बात करें अगर एंशियंट सेजेस, ऋषि मुनि या सिद्ध पुरुषों की, तो उनके हिसाब से भी हम अभी द्वापर असेंडिंग में हैं। एंशियंट इंडिया में युगों का कैलकुलेशन ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और उनके पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स से एनालाइज करके किया जाता था। अब इसके पीछे की साइंस आपको एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन से समझनी होगी, जैसे कि हमारी अर्थ है और हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, ये सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम मिलके भी एक एंटिटी है और ये पूरा सोलर सिस्टम भी एक बड़े स्टार मतलब एक बड़े सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और ये जो सर्कल है, इसी सर्कल को समय का सर्कल कहा गया है, जिससे कि युगों का वर्णन किया गया है। अब इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम इस तरह से बड़े स्टार मतलब बड़े सूर्य का चक्र लगा रहा है। होता ये है कि जब भी हम इस बड़े स्टार के बहुत पास जाने वाले होते हैं, मतलब हम इसके क्लोज जा रहे होते हैं, तो उस समय उस सारे एटमॉस्फेयर में उसके आसपास जितने भी प्लैनेट्स रहेंगे, जैसे कि अर्थ है या बाकी कोई भी प्लैनेट, और उनपे पाए जाने वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म या जीवात्मा, ये सारे लोग बहुत ज्यादा मात्रा में ईथर का अनुभव करेंगे। ईथर एक एलिमेंट है। जैसे ही हम उस बड़े स्टार के पास जाएंगे, तब हम ईथर को बहुत ज्यादा मात्रा में महसूस करेंगे। और साइंटिस्ट एवं हमारे एंशियंट ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि जैसे ही ईथर की मात्रा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, तो ह्यूमन बीइंग्स और बाकी सारे जीवात्मा और क्रिएचर्स का आपस में कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। मतलब कि जब हम उस बड़े स्टार के पास होते हैं, तो पूरे समय काल में हमें एक दूसरे से कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर हमें कुछ कहना है, हम बस उसे इमेजिन करेंगे और सामने वाले को पता चल जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं या क्या करवाना चाहते हैं। तो ये सारी एबिलिटीज हमें ईथर की ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने की वजह से होती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही हमारा पूरा सोलर सिस्टम इस बड़े स्टार के पास जाता है, तो वहां पर सभी जीव, सभी टाइप के क्रिएचर्स हायर और ग्रेटर पॉसिबिलिटीज में राइज होते हैं। मतलब आपके जीवन में अच्छी अच्छी एबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, हायर वाइब्रेशंस पे आप राइज करने लगते हैं। और उसी युग को हिंदू धर्म शास्त्रों में तथा ऋषि मुनियों ने सत्ययुग बताया गया है। तो आप इस चक्र को ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब हम उस बड़े स्टार के क्लोज जाते हैं, तो वो कलयुग से धीरे धीरे द्वापर मतलब द्वापर असेंडिंग में आएगा, और फिर उसके बाद त्रेता असेंडिंग में, उसके बाद सतयुग असेंडिंग में आएगा, और फिर सतयुग को पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद जब हम उस बड़े स्टार से दूर आने लगते हैं, जब हमारा सोलर सिस्टम उससे दूर आने लगता है, तो धीरे धीरे ईथर की मात्रा कम होने की वजह से ये युगास फिर से घटने लगते हैं। फिर से सतयुग से हम त्रेता में आएंगे, त्रेता से द्वापर में आएंगे, द्वापर से फिर कलयुग में आएंगे, और फिर कलयुग से दोबारा यही साइकिल शुरू हो जाएगा। ये एक बात जो मैंने पहले भी मेंशन की कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो भी लोगों के पैटर्न्स, उनके बिहेवियर से कलेक्टिवली लोगों की कॉन्शियसनेस से पता कर सकते थे कि ये कौन सा योगा चल रहा है। और ये एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल भी हमें यही बताता है कि जिस प्रकार ईथर कम होता जाता है, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा तरीके से चेंज होती जाती है, और उसी को इन चार अलग अलग युगों में दर्शाया गया है। और आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में ये वो समय था 3102 BCE, जिसमें कृष्णा का एरा एंड हुआ था, तब कलयुग की शुरुआत हुई थी। और कलयुग का जो टाइम पीरियड था, वो था 2592 ईयर्स का। तो अब हम 2023 में हैं, और इसके हिसाब से 2000
2592 ईयर्स ऑलरेडी कब के खत्म हो चुके हैं और हम अभी 2023 में हैं, मतलब हम द्वापर असेंडिंग में हैं और सिर्फ 60 साल के अंदर हम त्रेता युग में होंगे, मतलब असेंडिंग त्रेता युग में। और ये असेंडिंग साइकिल है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो अभी से ही हम द्वापर असेंडिंग में होने की वजह से पूरी अर्थ कलेक्टिवली राइज कर रही है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसे कई गुरु हैं, कई स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो कि ये बात आके खुल के बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे और टीवी पे कि हम कलयुग में नहीं बल्कि द्वापर असेंडिंग में हैं। और ये बात हर एक इंसान को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी ह्यूमन बॉडी और सारे प्लैनेट्स, ग्रह, इनकी पोजीशन, इनकी मूवमेंट, हर चीज एक दूसरे से पूरा पूरा कनेक्टेड है। तो ये बात हमें प्रैक्टिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस साइकिल में हैं, हम कहां जा रहे हैं। और अभी अगर इतना अच्छा एरा है जहां पे कि आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो रही है ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ द नेचर इटसेल्फ, तो आपको उस समय का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको ये सारी बातों पे भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखिए। आप सिर्फ भारत को ही इमेजिन कीजिए कि आज भारत की कैसी सिचुएशन है और आज से 200 साल पहले भारत की कैसी सिचुएशन थी। तो ये धीरे धीरे हम असेंशन में ही चल रहे हैं, हम बढ़ते क्रम में हैं, हम राइज हो रहे हैं, हम लाइट की तरफ जा रहे हैं, हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं, हम धीरे धीरे डिवाइन एनर्जी के पास जा रहे हैं। सिर्फ 60 सालों में हम त्रेता युग में होंगे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत सुंदर युग है, बहुत सुंदर एज है। अगर आप प्रैक्टिकली आज के टाइम के बारे में सोचते हैं तो आज हर एक इंसान बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, कुछ अलग करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। आप भारत में ही देखें तो हमारी पूरी यंग जनरेशन बहुत ज्यादा फोकस्ड है, चीजें सीखना चाहती है, लाइट की तरफ जा रही है, हम सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जा रहे हैं, हम प्रकृति को बचाने के बारे में बात कर रहे हैं। आज से 200 साल पहले ये शायद बातें नहीं हो रही थी कि हम प्रकृति का कितना नुकसान कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले का ही सिनेरियो ले लीजिए, इतना ज्यादा प्रकृति का वायलेशन हो रहा था। और अब की सिचुएशन अगर देखें तो वर्ल्ड में हर एक संस्था इस चीज पे आवाज उठा रही है, इसके लिए काम कर रही है, अलग अलग एनजीओस बने हुए हैं, सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं, नेचर में जा जाके लोग खुद क्लीनिंग कर रहे हैं। आज के अगर यूथ के वाइब्रेशन और थॉट्स को देखें तो सब भारत को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी हम आगे ही ग्रो कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए, उससे हम ह्यूमन ब्रेन को एडवांस करने की बात कर रहे हैं। अगर ये हम राइज नहीं कर रहे हैं तो ये डाउनफॉल तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता। तो अभी तक हम सभी को यही लगता है कि ये कलयुग चल रहा है, जो कि अंधकार का युग है, द एज ऑफ डार्कनेस जिसको कहा गया है, जिसमें स्पिरिचुअल इग्नोरेंस होता है, मतलब ज्ञान नहीं होता और सिर्फ अज्ञान होता है। पर आज की अगर आप यंग जनरेशन को देखते हैं तो एंशियंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले, उनके बारे में जानने वाले, सत्य को जानने वाले, अपनी लाइफ का एक अच्छा यूज करने वाले, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और कलेक्टिवली हम हायर वाइब्रेशंस की ओर जा रहे हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस सत्य को जान पाएं और अपने जीवन को एक अच्छे युग के परिवर्तन के साथ बदल पाएं और उसका सही उपयोग कर पाएं। और ऐसे ही अमेजिंग एंड मिस्टिकल फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।